बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक सईद जियो सुपर के तमाम व्यूवर्स का खैर मकदम करता है पाकिस्तान क्रिकेट के हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां आज फैसल बैंक टी20 कप 2010 का दूसरा दिन पहला मैच खेला जा रहा है फैसलाबाद और कोल्टा पियर्स की टीमों के दरमियान। मिसबाल हक जो लीड कर रहे हैं फैसलाबाद को, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। ये दोनों टीमें स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही हैं। फैसलाबाद की टीम में जो खिलाड़ी शामिल हैं, मिसबाउल हक के अलावा मोहम्मद हफीज, आसिफ हुसैन, अली वकास, ये बड़े आजमूदाकार खिलाड़ी हैं। शाहिद नजीर भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, सईद अजमल ऑफ स्पिनर, और ये फैसलाबाद के दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जिस तरीके से कल अहमदाबाद ने लाहौर के खिलाफ खेला है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया और एक अच्छा नजर आया कि कुछ ऐसी टीम है जो कि लाहौर की अच्छी टीम को इतने फाइट दे सकती है। अब जैसा कि फैसलाबाद, आपको पता है कि फैसलाबाद की टीम जो है ऑन पेपर वैसे भी इनमें अच्छे और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। अब देखना ये है कि क्वेटा किस अप्रोच के साथ इनसे खेलती हैं, क्योंकि ऑन पेपर ये टीम ऑब्वियसली बहुत अच्छी टीम है फैसलाबाद की। नजर हुसैन जो बाएं हाथ से मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, वो शुरुआत करेंगे कॉलेजेंट से, और इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं सलीम बदर, फॉर्मर टेस्ट अंपायर, कराची से इनका ताल्लुक। ये सलीम बदर और स्क्वायर लेग पर हैं अहमद शाह। पहली गेंद के साथ नजर, आसिफ हुसैन ने इसे पुश किया मिड विकेट की खाली जगह पर और पहला रन उन्होंने मुमकिन बनाया। इस बार लेग स्टंप पर ओवर पिच और हफीज के लिए तरने वाला साबित हुई। ये टिपिकल मोहम्मद हफीज का स्ट्रोक था जिसे किसी मुश्किल के बगैर उन्होंने स्क्वायर लेग के पार पहुंचा दिया। तकरीबन फुल पिच थी लेग स्टंप के बाहर और स्विंग होती हुई गई विकेट कीपर के बराबर से। फाइन लेग के फील्डर सर्कल के अंदर थे, इसलिए चार रन मिले और बल्ले से टकराती हुई गेंद गई। लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन देखिए जिस तरीके से विकेट कीपर ने किया था, मुझे लगता है कि ये ऐसे इस क्रिकेट में इस किस्म के बॉल रोकने चाहिए। अब डायरेक्ट देखना, अगर इस किस्म के रन जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड होगा ना अपने ही साइड पे, बॉलिंग साइड पे। इनको रोकना चाहिए था विकेट कीपर को। ऊंचा शॉट खेला लेकिन मिड विकेट से दूर गई, आउटफील्ड गद्दाफी स्टेडियम की तेज बाउंड्री लाइन से फील्डर पहुंच गए, अलबत्ता दो रन लेने से नहीं रोक सके मोहम्मद हफीज को। नजर हुसैन कंटिन्यू, इस बार गॉड बिहाइंड की अपील और वाइड से बचना चाहते थे नजर हुसैन और विकेट कीपर, लेकिन तजुर्बेकार अंपायर हैं सलीम बदर, वो कई अशरों से अंपायरिंग कर रहे हैं। कदीर कंटिन्यू करते हुए और आसिफ हुसैन ने इस बार उठता हुआ स्ट्रोक खेला, विकेट कीपर गेंद की तरफ गए और आखिर में गेंद नो मैन्स लैंड में गिरी। थर्ड मैन के फील्डर ने भी कोशिश की थी लेकिन खुश नसीबी आसिफ हुसैन के साथ। ये देखें, बिल्कुल पैनिक हो गए थे क्योंकि देख रहा हूँ कदीर जो है वो उनको बिल्कुल आसानी से भी शॉट नहीं खेलने दे रहे, इसलिए ये देखें आसिफ थोड़ा सा पैनिक हुए और आगे निकल के उन्होंने ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश की जो कि बल्ले भी सही तरीके से नहीं आया, और खुशकिस्मत रहे कि फील्डर के हाथ में ये बॉल नहीं गया वरना ये आउट हो सकते थे। नॉन स्ट्राइकर को आउट नहीं कर सकता लेकिन मोहम्मद हफीज ने इस गेंद को बाउंड्री से आउट जरूर किया मिड विकेट के बाहर, नहायत शानदार छक्का हफीज का। देखिए कि कितना टाइम मिला हफीज को, हफीज कमिट कर चुके थे बॉल बिल्कुल गिरने के बाद, पिच पे गिरने के बाद बहुत स्लो उनकी तरफ आया और उन्होंने बिल्कुल उसको लिफ्ट कर दिया। कितना टाइम मिला उनको और ये छह रन उनको, देखिए जरा। स्टेट ड्राइव डाउन द ग्राउंड, रन बनाने की दौड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि गेंद तनतनाती हुई गई साइड स्क्रीन के नीचे। yeah!
एक रन का मजीद इजाफा। फैसलाबाद का स्कोर अब 40 के पेटे में चला गया। ये शॉट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि 4 रन मिल गए, और यही 2020 की खूबसूरती है कि आपको रन्स मिलने चाहिए। शॉट की मेरे ख्याल है कि इतनी परवाह नहीं की जाती। बिल्कुल, जितना बड़ा टारगेट देंगे फैसलाबाद वुल्स की टीम के लिए अच्छा है। काफ़ी ऑप्शन के बाहर बॉल थी, कट करना चाहते थे और आउट रेंज लग के हेडमैन की तरफ की बाउंड्री हासिल की, और इस दफा शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से निकालने में कामयाब हुए। दूसरे रन के लिए तेजी करनी होगी, और थर्ड एम्पायर को जो है इन्वॉल्व किया गया है। अब कादर किस तरह से देखते हैं मजहर साहब, बात यह है कि ये कोई इतना अच्छा शॉट भी नहीं था, जितने एक्सपीरियंस्ड मेरा ख्याल है कि हफीज प्लेयर हैं उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि उनको अपनी वो ग्रेस और वो जो एक विजन होता है किसी प्लेयर का कि वो कैसा शॉट मार रहा है, पहुंच गए लगता है यहाँ से ही है, मतलब आउट होते होते भी बचे हैं, फिर रन आउट होते भी बचे हैं, तो मतलब जो हाई क्लास प्लेयर होता है वो अपनी एक क्रिकेट की जो ब्यूटी है उसका मेरा ख्याल बड़ा क्लियर करता है कि जब वो शॉट भी मारता है। ये नॉट आउट का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ से, ये भी देखे ना, ये एक बड़ा ही कैलकुलेटिव शॉट खेला है, पता था उसे गैप है, ऑफ टर्म के बाहर था, उसने उसे बड़ा अच्छे तरीके के साथ कट किया, 4 रन उसको मिल गए। बट इसके अंदर एक सारी सलाहियतें रब ने दी हुई हैं, ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है, और लास्ट ईयर वो 2020 जो आप बात कर रहे हैं कि जो 100 किया था उस वजह से वो फिर इसका कम बैक भी हो गया। कादर भाई, चूंकि आपने इन क्रिकेटर्स को बड़ा क्लोजली वॉच किया है, ऑफ स्टंप के बाहर उठता हुआ शॉट और पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। इस वक्त बेहतरीन बैटिंग करते हुए ये दोनों ओपनर्स गनी ऑटोमोबाइल्स फैसलाबाद वुल्व्स के लिए। एक्स्ट्रा कवर में फील्डर भी कोई नहीं था, और उसने बॉलर ने मेरा ख्याल है कि कुछ फ्री हिट उसको दे दी, और मेरा ख्याल टाइम भी बहुत अच्छा हुआ, फ्री हिट था, और बड़ा एक ईजी शॉट उनको मिला जिसके ऊपर उनको 6 रन मिल गए। अच्छा बोला, एक्स्ट्रा बाउंस यहां पे मिला, और इस तरह मोहम्मद हफीज अब आउट हो गए पवेलियन वापस आते हुए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का बाउंस एकदम से बॉलर को मिले। हाँ मदर साहब, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी देर के बाद इस लड़के ने एक अच्छा बॉल किया, और हफीज जो थे वो उसकी पेस को शायद मैनेज नहीं कर सके, और फ्रंट फुट पे वो पहले कमिट कर चुके हुए थे, और बॉल पड़ने के बाद थोड़ा ऊंचा आया, तो जिस वजह से ये एक एज लेता हुआ कॉट बिहाइंड हो गए वो, तो पहला नुकसान यहां पे उठाना पड़ा गनी ऑटोमोबाइल्स फैसलाबाद वुल्व्स को। मोहम्मद हफीज जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, आज 36 रन बना के आउट हुए 29 गेंदों के ऊपर 70/1 गनी ऑटोमोबाइल्स फैसलाबाद वुल्व्स। 57 मैचेस में 1210 रन बनाए, 107 रन का हाई स्कोर है, 35.58 इनकी बैटिंग एवरेज, और बड़ा इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट 125.51 का। ये अच्छा इस दफा निकालने में कामयाब हुए आसिफ हुसैन, और हासिल की बाउंड्री। हाँ मदर साहब, बात यह है कि ये मिसबा जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी ओपिनियन में, ये देखें अभी दूसरा बॉल इन्होंने फेस किया था जो स्लिप की तरफ गया, तो मैं इनके सिर्फ इस हक में नहीं हूं कि ये इस तरह के शॉट मारे हैं। एक और ओवर मुकम्मल हुआ, गनी ऑटोमोबाइल्स फैसलाबाद वुल्व्स 80/1।